हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग डाइट गैलरी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ पहले से ही होंगे। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, जो ब्रोकन काइट के ऊपर था, जिसमें मैंने कमानी टूटी, ठंडा टूटी पतंगों को रिपेयर करना सिखाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो वेरी गुड, और अगर नहीं देखा है वीडियो तो ऊपर आपको आई बटन में, इधर लेफ्ट साइड में आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या वीडियो के एंड में कार्ड में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां पर भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया था स्पेशली जो न्यू काइट फाइटर हैं, ये उनके लिए बनाया था। तो उसको जितने भी न्यू काइट फाइटर हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस समय जो हमारे देश का जो वेदर है, जो मौसम है यहाँ का, वो काफ़ी बिगड़ा हुआ चल रहा है। हर तरफ बारिश हो रही है, सारे मैदानों में बिल्कुल पानी भरा हुआ है। तो इस कंडीशन में मैदान की पतंगबाजी तो दोस्तों देखिए हो नहीं पा रही है। तो ज्यादातर जो काइट फाइटिंग हो रही है वो छत की ही हो रही है, छत की पतंगबाजी हो रही है। तो मैदान के मांझे छत पे यूज करना तो कोई बेनिफिट है नहीं उसमें, और इसीलिए मैंने कुछ मांझे तैयार करवाए थे जो कि जिनकी सुताई वगैरह तो मैदानी ही है, उसमें जो कुछ भी है सब कुछ मैदानी है, उसका मटेरियल, उसकी लुद्दी, उसकी सुताई, मेहनत जो है वो सारी मैदानी है। और जैसे कि 123 पे वो आर्टिकल आप लेंगे तो थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा महंगा है, उसी को मैंने कुछ सस्ता करवा दिया था। मैंने तो पहले मैंने एक रील डाली थी, उस रील में मैंने बताया था कि इन सब मांझों की फुल वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों, टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने वो वीडियो थोड़ा सा पेंडिंग में छोड़ रखी थी। तो आज मैं वही वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों आप सबके लिए। तो जैसे कि जो ब्लॉक है वो है NRK का डबल गुलाब, डबल गुलाब को मैंने जो कन्वर्ट करवाया था वो करवाया था ग्रीन पेपर में। उसमें क्या है दोस्तों, उसकी जो सुताई है वो आपको डबल गुलाब के जैसी ही मिलेगी सेम। जैसे कि डबल गुलाब में आप सब जानते हैं चौड़ा मांझा होता है, वो चार हाथ का खिंचावा मांझा होता है, अच्छी सुताई होती है, अच्छी कोटिंग है उसमें, और बेहतरीन मांझा, अच्छे रिजल्ट है उसके। और अगर आप 2000 रुपये का मांझा, 2100 रुपये के अराउंड वो मांझा है, उसको आप छत से उड़ाएंगे तो देखिए कोई फायदा तो है नहीं। और छत पे क्या, छत पे हर तरह का धागा, जो भी कॉर्ड्स आते हैं, हर तरह के कॉर्ड छत पे अलाउड है। तो मैंने यही सोचा कि चलिए इसी बहाने आपको कुछ अच्छी चीज़ और कम बजट में प्रोवाइड करें। तो अच्छी चीज़, बेस्ट ब्लॉक, बेस्ट ब्रांड और बेस्ट क्वालिटी मैंने आपको कम प्राइस में प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डबल गुलाब जो मिल रहा है 1650 रुपये में मिलने वाला है। बस उसमें फ़र्क इतना होगा, इसको आप ये आपको चार तार पर मिलेगा, 4 कॉर्ड पर। और जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, इस समय जो चार तार के धागे के रेट हैं वो भी लमसम 123 का इर्द गिर्द रही हैं। तो रॉकेट के भी दाम लमसम 123 के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क बचे नहीं है। फिर भी दोस्तों, मैंने अच्छा खासा इसमें फ़र्क आपको दिखाया है। 2100 रुपये का मांझा आपको 1650 रुपये मिल रहा है, अच्छा खासा फ़र्क है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं उसके जो कलर वगैरह मेरे पास बन के आए हैं, उसके कुछ कलर आपको दिखाते हैं, और जो उसके पैटर्न वगैरह हैं वो सब आपके सामने बस लाने की कोशिश करता हूँ। और उसमें जो भी डिटेलिंग है वो जितनी मुझसे बनेगी मैं आपको उसकी डिटेलिंग देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप कलर देखिए, ये कुछ कलर मैंने ओपन कर लिए हैं जो कि सारे के सारे NRK के ही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर NRK की जो ब्रांडिंग होती है, उनकी जो साइन वगैरह होती है, सारे चरखों पर है, और ओरिजिनल की 100% गारंटी होती है। वैसे भी आप सभी जानते हैं ये बात, ओरिजिनल की जो होती है वो मेरे पास पूरी गारंटी है। तो ये कलर हैं मैंने जो कि ओपन कर रखे हैं, और चलिए आपको इसकी कुछ डिटेल देने की कोशिश करता हूँ। ये सबसे पहला आ गया मेहंदी, इसमें आपको एक आध पैटर्न और मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा बारीक पैटर्न पे है, हल्का सा मीडियम है, थोड़ा सा गोल धार की डोर होगी ये, और ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा चढ़ा जाएगा, ब्लैक है ये, ब्लैक नहीं बोल सकते वैसे, डार्क जो माशी कलर बोलते हैं दोस्तों, ये वो कलर है, ये डार्क है, एकदम माशी है, ब्लैक नहीं है दोस्तों, ये एकदम डार्क टाइप का है, तो ब्लैक ऐसा लग रहा है, ये रेड आ जाएगा। ये स्क्रीन पर हो सकता हो आपको कलर थोड़े बहुत डिफरेंट नज़र आ रहे हों, पर ये रेड कलर है दोस्तों, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और देखिए, बहुत ही शानदार क्वालिटी है। NRK की क्वालिटी के बारे में कुछ भी बताना ज़ाया होगा, जितने भी काइट फाइटर हैं, जितने भी काइट लवर हैं हमारे, सारे जानते हैं कि NRK की क्वालिटी क्या होती है दोस्तों। तो ये देखिए, उनकी डेट भी होती है, साइन भी होती है, हर चीज़ चरखे पे मौजूद होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड आपको दो नज़र आ रहे होंगे दोस्तों, इन दोनों में फ़र्क है, इसलिए मैंने दोनों चरखे ओपन किए। जो रिपीटेड कलर थे वो मैंने ओपन नहीं किए हैं, ये रिपीट में क्या था, कुछ हल्का सा पैटर्न में फ़र्क था, इसलिए मैंने रिपीटेड चरखे ओपन कर लिए हैं।
अब जैसे कि बारीक में इस तरह के जितने चरखे थे मैंने उसको साइड कर दिया है, और एक चरखा जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देखिए चढ़ा पैटर्न है, ये थोड़ा सा चढ़ा मिल जाएगा आपको रेड, और ये थोड़ा सा रेड आपको बारीक मिल जाएगा। जिसको बारीक चाहिए वो बारीक ऑर्डर कर सकता है, जिसको चढ़ा चाहिए वो चढ़ा ऑर्डर कर सकता है। तो उसके बाद ये देखिए कलर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये जो कलर है दोस्तों ये फालसाही कलर है, बहुत ही शानदार कलर है। चरखा देख लीजिए आप, आपको करना कुछ नहीं, जो चरखा आपको पसंद आ रहा हो आप उसका स्क्रीन शॉट लीजिए और सेंड कर दीजिए। तो ये चरखा देखिए आप कितना शानदार चरखा है, और बैकलाइट पे है, और बैकलाइट में जो सबसे उमदा क्वालिटी होती है उसके ऊपर चरखे लगाएं, एकता पे लगे हुए चरखे, ये एकता जो होता है वो सबसे अच्छा चरखा वो माना जाता है एकता का। ये बैकलाइट में एकता लगा हुआ है, बहुत शानदार बहुत मजबूत क्वालिटी होती है ये। और ये भी माशी ही कलर है दोस्तों, ये ब्लैक नहीं है। ये दोनों को मैं एक साइड कर देता हूँ एक तरफ, ये देखिए ये दोनों लमसम सेम ही कलर है। दोनों में फ़र्क क्या है, ये वाला चरखा जो है ये थोड़ा सा आपको चढ़ा मिल जाएगा, थोड़ा सा मोटा पैटर्न है, और ये थोड़ा सा आपको बारीक मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो आपको पैटर्न यहाँ पर मिलने माशी। ये चरखा देखिए दोस्तों कितना शानदार चरखा है, ये नारके का मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल एकदम गोल धार की डोर है, ये धार बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छी धार है, एकदम कड़क मांझा है दोस्तों। रेड कलर है उसके बावजूद भी एकदम कड़क मांझा है ये। और इसके छल्ले अल्ले अगर आपको दिखाना चाहूँ तो छल्ले भी मैं आपको दिखा सकता हूँ इसके, और छल्ले वल्ले बहुत सारे वीडियो में दिखा चुका हूँ, इसका कोई मतलब खास होता नहीं छल्लों का। छल्लों तो सिर्फ और सिर्फ टैंपर ही समझ में आता, अगर टैंपर ज़्यादा होगा तो छल्ले बनेंगे, और अगर छल्ले नहीं बन रहे तो उसका एक ही मकसद होता है कि इसमें टैंपर कम है। अगर चढ़े पैटर्न के ऊपर आपको एक ये मिल जाता है, ये जो माशी है ये भी बहुत ज़बरदस्त लगाया दोस्तों। इसका टेम्पर बहुत ज्यादा अच्छा है, देखिए लोच भी है मांझे में, टेम्पर भी है, बेहतरीन मांझा है दोस्तों, ये बेहतरीन छल्ला एकदम गोल डोर है दोस्तों। ये अगर इसकी बात करें तो डोर एकदम गोल है, ये एकदम चढ़ी हुई, और सुताई इसकी जो है दोस्तों बहुत शानदार है, एक जैसी सुताई आपको मिलेगी बिल्कुल, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दोस्तों इसमें कहीं पे दरदरापन है, या कहीं पे इस डोर में हल्का है कहीं मोटा है पैटर्न, ऐसा कहीं पे आपको नजर नहीं आने वाला, बिल्कुल एक जैसी डोर मिलेगी। जो कांटा होगा दोस्तों डोर का बिल्कुल एक जैसा होगा, मतलब आप अगर इसको डोर को ऐसे पकड़ कर महसूस करेंगे तो कहीं पर भी आपके हाथ में कहीं पे चुभन कहीं पे गलन कुछ ऐसी नहीं होगी, जो कांटा है प्रॉपर वो आपको नजर आएगा। उसके बाद कहीं पे ऊंच नीच हल्की भारी कम ज्यादा ये सब चीजें आपको नजर नहीं आने वाली है। और ये जो दोस्त तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, रेट तो लाजवाब इनका होता ही है, एनआरके का जो रेट होता है बहुत शानदार होता है। एक चरखा मैंने आपको दिखा था पहले चढ़े पैटर्न का, ये चरखा थोड़ा सा बारीक पैटर्न पे आ जाएगा, लोच दार मांझा है, हल्का फुल्का टेम्पर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसमें दोनों ही चीजें हैं, लोच के साथ आपको टेम्पर भी मिल रहा है।
तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। दूर और पास दोनों जगह पर ये मांझा आपका लड़ेगा। आप दूर लड़ाना चाहते हैं दूर लड़ाइए, पास लड़ाना चाहते हैं पास लड़ाइए। शानदार क्वालिटी है, जानदार मांझा है, बेस्ट ब्रांड है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बेस्ट ब्रांड के साथ दोस्तों ये बेस्ट प्राइस भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइस भी बहुत अच्छा मिल रहा है, ब्रांड अच्छी मिल रही है, ब्लॉक अच्छा मिल रहा है, डबल गुलाब होता है दोस्तों। डबल गुलाब को कन्वर्ट करवा के मैंने ग्रीन रैपर में इसको जो भी डिटेल थी मैंने वो सब आपको देने की कोशिश करी। और जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, ग्रीन रैपर ये होता है नारके का, ये देखिए ये ग्रीन रैपर है। और मैं चाहता तो ये चरखा जो डबल गुलाब था उसके ऊपर डबल गुलाब का ही रैपर लगवा देता, पर डबल गुलाब का रैपर मैंने इसलिए नहीं लगवाया उसमें क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनके पास हो सकता है डबल गुलाब पहले से ही मौजूद हो, और यहाँ पर चार तार है वहाँ पर उनके पास छः तार हो सकता है, 1 2 3 पे जो उनका पुराना ब्लॉक है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। सपोर्ट करिए आप मैदान कहीं गलती से इसको भी लेके जा सकते थे, तो मैंने इसीलिए इसमें ग्रीन रैपर लगवाया। हालांकि ब्लॉक ये डबल गुलाब ही है तो इस वजह से मैंने इसको कन्वर्ट करवाया और इसमें ग्रीन रैपर लगवा दिया। तो दोस्तों काफ़ी कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी, और अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो देखिए दोस्तों बनता ही है, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।